नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और अपनी इस खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या दिग्गी के भाषण से कांग्रेस हार जाती है? मेरे भाषण से कांग्रेस के वोट कटते हैं, इसलिए मैं रैलियों में नहीं जाता। यह कहकर कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया है। तो विरोधी कांग्रेस के भीतर मचे घमासान पर कह रहे हैं कि सोचा नहीं था कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह की ऐसी दुर्दशा करेगी। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह का यह दर्द तब छलका जब वो मध्य प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पहुंचे थे। ये बनने का क्या नहीं भैया, देखो ख्वाब देखते रह जाओगे, अगर काम नहीं किया तो नहीं बनेगी सरकार ऐसे, अगर ख्वाब देखते रहोगे। आपने जो बोला जिसको टिकट मिले चाहे दुश्मन को मिले जिताओ, और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। ये दिग्विजय सिंह का दर्द है या फिर पार्टी से नाराजगी, लेकिन सच तो यही है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में कभी कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह हाशिए पर हैं। न तो राहुल के साथ मंच पर दिखते हैं और न ही पार्टी के प्रचार वाली होर्डिंग पर। शायद यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया कि चुनाव प्रचार से आप गायब क्यों हैं, तो उनका दर्द छलकाया। ये बनने का क्या नहीं भैया, देखो ख्वाब देखते रह जाओगे, अगर काम नहीं किया तो नहीं बनेगी सरकार ऐसे, अगर ख्वाब देखते रहोगे। आपने जो बोला जिसको टिकट मिले चाहे दुश्मन को मिले जिताओ, और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। शायद ये पहली बार होगा जब मध्य प्रदेश के चुनाव में टिकट बांटे जा रहे हैं, सियासी रणनीति तय हो रही है और बीजेपी के खिलाफ पार्टी धुआंधार प्रचार कर रही है। ऐसे में कभी सूबे के मुखिया रह चुके दिग्विजय सिंह गायब हैं। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से भाषण देने या बयान देने से वोट कटते हैं वाला बयान दिया है, उससे ये भी सवाल उठ रहा है, क्या दिग्विजय को प्रचार से दूर रखना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति तो नहीं है? हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं उन्हें नहीं पता। वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये दिग्विजय सिंह ने किस संदर्भ में कहा है मुझे, मैं जानता नहीं। दिग्विजय सिंह की नाराजगी पर जवाब देने से कांग्रेस नेता बच रहे हैं, उसकी वजह भी है। कांग्रेस इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे बीजेपी के परंपरागत हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में लगी है। शायद कांग्रेस को इस बात का डर है कि दिग्विजय सिंह जिस तरह से भगवा आतंक और मुस्लिमों के साथ अन्याय को लेकर मुखर रहे हैं, ऐसे में अगर वो कुछ ऐसा ही बयान दे देते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दिग्विजय सिंह का ये वायरल वीडियो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है, तो बीजेपी के लिए कांग्रेस को घेरने का नया हथियार। ये दर्द हमने नहीं दिया, ये दर्द उनको कांग्रेस ने ही दिया है मित्रों। उनके पोस्टर नहीं लगा रहे, उनके फोटो नहीं छाप रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे। एक नेता की ऐसी दुर्दशा कांग्रेस करेगी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कम से कम कांग्रेस के लोग अपने नेता की इज्जत करें। दिग्विजय सिंह के इस बयान में दर्द कम और नाराजगी ज्यादा दिख रही है। बीजेपी दिग्विजय के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस को भी ये डर सता रहा है कि राजनीति के इस पुराने धुरंधर की बेरुखी कहीं आने वाले चुनाव में भारी न पड़ जाए। मध्य प्रदेश में 10 सालों तक सत्ता पर काबिज रहे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दर्द एक बार फिर छलका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनका नाम भर लेने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए इसे दिग्विजय सिंह की दुर्दशा करार दिया है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, भोपाल न्यूज 24।